दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क ने ट्विटर को 44 अरब डॉलर में खरीद लिया है और तभी से वो चर्चा में बने हुए हैं और लगातार ट्विटर में बड़े बदलाव की बात कर रहे हैं। लेकिन ट्विटर की डील खत्म होने के तुरंत बाद एलन मस्क ने दो भारतीयों को कंपनी के शीर्ष पदों से टर्मिनेट कर दिया था, जिसकी खूब चर्चा हुई, जिनके नाम पराग अग्रवाल और विजया गडे थे। अब इनके निकलने के बाद से ही लगातार इस बात पर चर्चा चल रही थी कि एलन मस्क ने आते ही भारतीयों को कंपनी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो अब आपको बता दें कि अब मस्क ट्विटर में जो शुरुआती बदलाव को लेकर आ रहे हैं, उसके लिए एक तीसरे भारतीय की सलाह ले रहे हैं। उनका नाम है श्रीराम कृष्णन। जी हाँ, चेन्नई बेस्ड टेक्नोलॉजिस्ट और इन्वेस्टर श्रीराम कृष्णन दुनिया के सबसे अमीर इंसान की मदद कर रहे हैं और इस बात को खुद उन्होंने स्वीकार किया है। सोमवार को ही श्रीराम कृष्णन ने अपने ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया और ये दावा किया कि ट्विटर के कारोबार को चलाने में एलन मस्क की वो मदद कर रहे हैं। उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि वो अस्थायी तौर पर ट्विटर के लिए मस्क की मदद कर रहे हैं। श्रीराम कृष्णन ने अपने ट्वीट में लिखा कि अब जैसा कि लोग जान चुके हैं, मैं ट्विटर में एलन मस्क की अस्थायी तौर पर सहायता कर रहा हूँ। मैं और A16Z ये समझते हैं कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण कंपनी है और दुनिया पर इसका बहुत प्रभाव हो सकता है और एलन मस्क ही ऐसा संभव कर सकते हैं। वहीं श्रीराम कृष्णन की अगर हम बात करें तो पिछले साल जुलाई में द न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित श्रीराम और उनकी वाइफ के प्रोफाइल के मुताबिक इंडियन अमेरिकन इंजीनियर श्रीराम कृष्णन चेन्नई के रहने वाले हैं। कृष्णन और उनकी पत्नी आरती राममूर्ति दोनों का जन्म ही चेन्नई में हुआ है। रिपोर्ट में आरती राममूर्ति के हवाले से ये भी बताया गया कि दंपत्ति साल 2003 में कॉलेज में मिले थे, जब वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे। उनकी एक 2 साल की बेटी भी है। न्यूयॉर्क टाइम्स प्रोफाइल के अनुसार कृष्णन ने ट्विटर के अलावा याहू, फेसबुक और स्नैप में भी काम किया हुआ है। श्रीराम कृष्णन ने फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ काम किया है। ट्विटर के साथ वो पहले भी काम कर चुके हैं। साल 2021 में वो एंडरसन होरोविट्स में शामिल हो गए थे, जो क्लब हाउस में एक प्रमुख इन्वेस्टर भी हैं, जो कि एक सामाजिक ऑडियो ऐप जो 2020 में जारी किया गया था। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स की अगर माने तो साल 2017 में वो ट्विटर के कोर कंज्यूमर प्रोडक्ट टीम को लीड करते थे, खास तौर पर श्रीराम यूजर इंटरफेस, सर्च और ऑडियंस ग्रोथ को हैंडल कर रहे थे। फेसबुक में मोबाइल विज्ञापन का क्रेडिट भी श्रीराम कृष्णन को बखूबी आता है। अब बात करें श्रीराम के एलन मस्क से कनेक्शन की, तो न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार कृष्णन रविवार यानी कि 30 अक्टूबर को ट्विटर के सैन फ्रांसिस्को मुख्यालय में थे, जबकि मस्क खुद न्यूयॉर्क गए थे। 31 अक्टूबर को कृष्णन ने ट्विटर पर ऑफिस की एक तस्वीर पोस्ट की और कहा कि वो अस्थायी रूप से मस्क की मदद कर रहे थे। दरअसल एलन मस्क फरवरी 2021 में क्लब हाउस द गुड टाइम्स शो पर कृष्णन और राममूर्ति के प्रभावशाली शो में भी दिखाई दिए थे। वो इससे पहले कैलिफोर्निया के होथोर्न में स्पेस एक्स मुख्यालय की यात्रा के दौरान भी उनसे मिल चुके हैं। बहरहाल इस खबर को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।